आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे SBK न्यूज़ में। छत्तीसगढ़ में कई जिले में पिछले 4-5 दिन से तापमान में लगातार गिरावट आई है, जिसके चलते शीतलहर का प्रकोप जारी है तथा आने वाले दिन में इनमें और अधिक गिरावट आने की आशंका है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि ठंड के मौसम में थोड़ी सावधानी बरतते हुए अपने परिजनों की सेहत और खान पान पर ध्यान दें। उन्होंने बूढ़ों और बच्चों के स्वास्थ्य पर खास तौर पर ख्याल रखने की सलाह दी है। शीतलहर की प्रकोप की आशंका को दृष्टि में रखते हुए और बच्चों को यथासंभव घर पर ही रहें। स्वास्थ्य केंद्र में शीत का प्रकोप से बचाव के लिए वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यकता अनुसार अलाव जलाने की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दी गई है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में अंतरोगी कक्ष में विशेष तौर पर शिशु रोग वार्ड, प्रसव कक्ष तथा रैन बसरों में रोगियों व आमजनों के लिए पर्याप्त मात्रा में कंबल, चादर व गर्म कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में निर्विरोध उपाध्यक्ष बनना तय, संतराम नेताम ने भरा नामांकन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए आज संतराम नेताम ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य मंत्री विधायकों के साथ संतराम नेताम विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा के कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिले की प्रक्रिया पूरी की। उसका निर्विरोध उपाध्यक्ष बनना लगभग तय है, क्योंकि विपक्ष की ओर से कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। उसके निर्वाचन की विधिगत घोषणा कल कर दी जाएगी। इस मौके पर नेताम ने मुख्यमंत्री, विधायकों और विपक्ष का आभार करते हुए कहा कि अब वे संवैधानिक पद पर बैठने जा रहे हैं, इसलिए दायरे में रहकर काम करेंगे। अध्यक्ष और सभी विधायकों ने यह सहमत से अपनी नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 29 अप्रैल को होगी चयन परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2023 कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन 1 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गई है।